नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम मोर्चों को लेकर बैठकें ले रही है, वहीं अगर बात की जाए तो अब जिस तरीके से दावेदारों को जो नाम की घोषणा की गई उसके बाद अब प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। अगर बात की जाए नीमच की, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी नीमच भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी आती है, जहाँ पर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारियों की घोषणा की गई है। पूरी लिस्ट हमारे पास है, पूरी जानकारी हमारे पास है कि कहां से किसको प्रभारी बनाया गया। अगर बात की जाए तो नीमच नगर पालिका से मदन जी राठौर को यहां से प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया नगर पंचायत जीरन से श्याम जी कावरा को यहां से प्रभारी बनाया गया। वहीं अगर बात किया नगर पंचायत मनासा से वो अशोक विक्रम सोनी को यहां से प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया नगर पंचायत कुकड़े से राकेश जैन पप्पू जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे उनको यहां से प्रभारी बनाया गया। मैं अगर बात किया है तो नगर पंचायत जावत से सुखलाल जी पवार को यहाँ से जो है प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया है तो नगर पंचायत रामपुरा से मोहन कीची जो है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया है तो नगर पंचायत नयागांव से पुष्कर जी जवर को यहाँ से प्रभारी बनाया गया। वहीं अगर बात किया है तो नगर पंचायत अठाना से राजेश जी लड्डा को यहाँ से जो है प्रभारी बनाया गया। उसकी दूसरी तरफ अगर बात किया नगर पंचायत सरवाना महाराज की बात किया ललित जी ग्वाला जो है उनको यहाँ से प्रभारी चुनाव का प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया नगर पंचायत डीके की बात किया विनीत सेठिया को यहाँ से प्रभारी बनाया गया। साथ ही बात किया नगर पंचायत रतनगढ़ की बात किया बंशीलाल जी राठौर को यहाँ से जो है प्रभारी बनाया गया। नगर पंचायत सिंगोली से सुनील कटारिया जो है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया। इसके साथ अगर बात किया स्थानीय संयोजक के रूप में भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान किया। अगर बात किया है तो नीमच की नगर पालिका की बात किया तो यहाँ पर स्थानीय जो संयोजक है उनके रूप में सुखलाल जी पवार है उनको यहाँ से बनाया गया। साथ ही नगर पंचायत जीरन के स्थानीय संयोजक की बात किया तो बाबूलाल जी भामावत है उनको यहाँ से जो है प्रभारी बनाया गया। साथ ही बात किया नगर पंचायत मनासा की बात किया है तो यशवंत जी सोनी है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया। साथ ही बात किया है तो नगर पंचायत कुकड़ेश्वर की बात किया है तो शंकरलाल जी मालवी जो है उनको यहाँ से स्थानीय संयोजक बनाया गया। अगर बात वहीं बात किया है तो नगर पंचायत जावत की बात किया है तो शांतिलाल जी बग्गड़ जो है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया। अगर बात वहीं बात किया है तो नगर पंचायत अठाना की बात किया है तो केसरीमल जी जैन जो है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया। साथ ही अगर बात किया नगर पंचायत नयागांव की बात किया तो अभय जी जैन है उनको यहाँ से प्रभारी बनाया गया, स्थानीय संयोजक बनाया गया। साथ ही अगर बात किया तो नगर पंचायत डीके की बात किया है तो राकेश जी सेन जो है उनको यहाँ से स्थानीय जो है संयोजक बनाया गया। साथ ही बात किया नगर पंचायत रतनगढ़ की बात किया है सुरेश जी मंडोरा है जो उनको स्थानीय संयोजक बनाया गया। नगर पंचायत सिंगोली की बात किया है तो यहाँ से नादूलाल जी जो पालीवाल है उनको यहाँ से स्थानीय संयोजक बनाया गया। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जो है चुनाव को लेकर किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, किस तरीके से प्रभारियों की घोषणा कर रही है, उससे लेकर हमने आपको बताया। इस तरीके तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।